नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कीमा मसाला। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी, पराठे, नान, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कीमा मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमने 750 मटन कीमा ले लिया है, 3 बड़े साइज के प्याज हमने चॉप करके रखा हुआ है, 3 टमाटर ले लिया है हमने, और हमने यहाँ पे एक आलू लिया है जिसे हमने छोटे स्लाइस में काट के रखा है। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आलू आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 दालचीनी ले लिया है, 2 छोटी इलायची और 2 तेज पत्ते। हमें चाहिए 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच हमने दही ले लिया है, 1.5 चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक हम यहाँ पे 1.5 चम्मच यूज कर रहे हैं। आप नमक अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। और चाहिए हमें थोड़ा सा गरम मसाले और एंड में हमें धनिया पत्ते की जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं रेसिपी। हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। हमें सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेना है, तो हम यहाँ पे अभी थोड़ा कम तेल डालेंगे। तेल हम गरम होने देंगे पहले। तेल गरम हो जाने के बाद हम अब इसमें आलू डाल देंगे। दो तीन मिनट हम आलू को थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। मिनट बाद आलू हमारा फ्राई हो गया है। अब हम आलू को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसमें 4 चम्मच तेल और ऐड करेंगे। तेल को हम पहले गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पे 6 हरी मिर्च डाल देंगे, तेज पत्ते, दालचीनी और इलायची को हमने थोड़ा सा तोड़ लिया है, कुछ सेकंड हम भून लेंगे पहले। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है, कलर चेंज हो जाने तक हम इसे 5-6 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमारा हाई है। प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी हम 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे और थोड़ा अच्छा सॉफ्ट हो जाने तक। थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक ऐड कर देते हैं जिससे जल्दी सॉफ्ट हो जाए हमारा टमाटर प्याज। दो मिनट बाद जब टमाटर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। दो मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद भूनेंगे। दो मिनट बाद हमारा जब अदरक लहसुन भून जाए तब हम यहाँ पे सभी जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड करेंगे।
एक दो मिनट हम ड्राई मसाले डालने के बाद भून लेंगे अच्छे से। और इतने में हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाले हमारा भून गया है, दही ऐड कर देंगे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मसाले के साथ हम इसे दो मिनट और भून लेंगे। तब तक भूनना है हमें जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। उसके बाद ही हम यहाँ पे कीमा ऐड करेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून गया है और साइड से तेल भी अलग दिखने लगे है। गैस का फ्लेम लो करेंगे और अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। अच्छे से हम कीमा को मसाले में मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। हमें कीमा को मसाले के साथ भूनते हुए दो मिनट हमें इसे खोल के भूनना है। उसके बाद हम इसे ढक के पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक कमेंट कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे दो मिनट ऐसे खोल के चलाते हुए फ्राई करेंगे। आधा चम्मच हम गरम मसाले ऐड करेंगे। एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे बिल्कुल। पैन का ढक्कन बंद करके हमें कीमा को 35 से 40 मिनट पकाना है, लेकिन बीच बीच में आके हम एक एक बार चेक करते हुए जाएंगे और गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल लो पे होगा। आधे घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं। एक बार हम मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जो फ्राई करके आलू रखा था वो डाल देंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे कटा हुआ धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 250 ml पानी लिया है। एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा
थोड़ा सा पानी हम यहाँ पे और ऐड करेंगे, क्योंकि आलू हमारा अभी पकेगा तो उसमें थोड़ा सा ग्रेवी हमारा ड्राई हो जाएगा। तो आधा ग्लास पानी हम यहाँ पे और ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे हम ढक के 4-5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और 4-5 मिनट हम इसे ढक के पकने देंगे। 6 मिनट बाद चेक कर लेते हैं हम। मिक्स कर लेंगे एक बार। आलू हम चेक कर लेते हैं, आलू हमारा अच्छे से पक गया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से हम कटा हुआ धनिया और ऐड करेंगे। मिला लेंगे एक बार। हमारा कीमा मसाला बनके तैयार है। देखिए अब हम इसमें 1 चम्मच हम बटर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बार कीमा में हम मिक्स कर लेंगे बटर को और गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया और कीमा को हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे कीमा मसाला बनके तैयार है। आप इसे रोटी, चावल, नान, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। आशा करती हूँ आज का रेसिपी आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आज का रेसिपी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट के साथ मेरे रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिए गए मेरे चैनल के लोगो में आप क्लिक कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने राइट में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।